हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया है आप लोगों को पता चल ही गया होगा। वैसे मैं वीडियो पे बता दिया हुआ था, वीडियो पहले वाले इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप लोग देख ले। और नोटिफिकेशन देखने के बाद उसमें दिया गया था जो फर्स्ट फेज में जो कि 17 से 25 तारीख तक चलना है, उसमें सिकंदराबाद और पटना यानी कि हाजीपुर और ये मुंबई, ये तीनों का फर्स्ट पेज में एग्ज़ाम होना है। और इसके बाद बाकी का आएगा जो कि मुझे लग रहा है कि 3 दिन के अंदर, मतलब 3 दिन में कहने का मतलब यानी 28 के आसपास से, 25 में ख़त्म होगा, 28 के आसपास से सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाना चाहिए था, हो जाएगा। और बाकी देखिए आप लोग, जिसका भी एग्ज़ाम फर्स्ट फेज में है तो वो लोग तो सीरियसली उससे अब रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। बहुत से लड़के मैसेज कर रहे हैं कि अब मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट फेज में ही हो गया है, तो अब क्या करें, एग्ज़ाम दे या टाइपिंग दे, टाइपिंग भी करे या ना करे। है बहुत से लड़के का है जो कि फर्स्ट पेज में ही है। मैंने उन सबको ये कहना चाहता हूँ जिसका टाइपिंग है और फर्स्ट पेज में, मेरा तो फर्स्ट पेज में नहीं है तो मेरे लिए उतना दिक्कत नहीं है, मैं टाइपिंग ही कर रहा हूँ आजकल ज़्यादा। टाइपिंग 12 को है तो टाइपिंग देने के बाद मैं तैयारी करूँगा ग्रुप डी के लिए कुछ स्पीड से। धीरे धीरे अभी सेट मारता हूँ, बस एक सेट मारता हूँ, बाकी टाइपिंग करता रहता हूँ। दिन में 3-4 घंटा टाइपिंग, जिसका भी टाइपिंग है टाइपिंग दे दीजिए। और इसके बाद ग्रुप डी दीजिएगा। ग्रुप डी वैसे जिसका भी दोनों पकड़ा गया है साथ में, तो आप लोग टाइपिंग को 2-3 घंटा कीजिए, 2 घंटा बहुत हो गया टाइपिंग। बाकी ग्रुप डी को आप टाइम दीजिए, क्योंकि ग्रुप डी कोई छोटा मोटा नौकरी है नहीं, आप छोटा समझ के लोग छोड़ देते हैं। और इसमें इतना ज़्यादा सीट है, आप लोग चाहिएगा तो आपको सीट कंफर्म हो सकता है इसमें भी। बहुत ज़्यादा सीट है, 1 लाख है तो ज़्यादा ही हो गया, आपको तो एक ही चाहिए ना, तो एक ही चाहिए, तो इसके लिए आप ये कंफर्म हो सकता है। आप अगर सही हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, आप अपने साथ ईमानदारी से काम करते हैं, तो आपको जॉब ज़रूर मिलना है। और बाकी जो भी लोग हैं जिसका एग्ज़ाम फर्स्ट फेज में नहीं है, फिर भी वो भी सीरियसली एग्ज़ाम दे, क्योंकि सीरियसली तैयारी करे, क्योंकि बहुत जल्दी उन लोग का किसी का भी सेकेंड फेज में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये तो कोई नहीं जानता किसका होने वाला है, जिसका फर्स्ट फेज नहीं हुआ किसी का भी सेकेंड फेज में आ सकता है। अब किस किस जोन का आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत जल्दी उसका भी नोटिफिकेशन हमको लगता है, नोटिस 15 तारीख तक आ जाना चाहिए, 15 नहीं तो 18 तक कन्फर्म आ जाएगा, इसी एग्ज़ाम के दौरान आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, जो भी कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी जो भी तैयारी करते हैं जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद पढ़ना किसको है। एग्ज़ाम जब तक नहीं हुआ है तब तक ही पढ़ेंगे ना हम लोग, ज़्यादा दिन है नहीं, बस इतना दिन मेहनत कर लीजिए, एग्ज़ाम दे दीजिए, इसके बाद कौन किताब छूता है, किसी को भी नहीं इसके बाद पढ़ने के लिए कोई बोलेगा, घर पे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका नौकरी लगने वाली है। इसलिए अब भी से ध्यान दीजिए और ज़्यादा दिन पढ़ना नहीं है, पढ़ के काम ख़त्म कीजिए। ठीक है, बाय।